नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ज्वाइनिंग के लिए। प्रोबेशन में कार्मिकों को मिलने वाले अवकाश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सीएल, जो सीएल है आपको एक साल में 15 मिलती है, यानी प्रोबेशन से प्रोबेशन तक कुल 30 सीएल आपकी रहती है 2 वर्ष के कार्यकाल में। अब इसकी जो गणना है, जैसे स्थायीकरण में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 22/5/2019 से पूर्व जनवरी से दिसंबर की जाती थी प्रोबेशन कार्मिकों के लिए, और स्थायी कार्मिकों के लिए 1 जुलाई से 30 जून तक थी। लेकिन 22/5/2019 के इस आदेश के बाद स्थायी और अस्थायी सभी कार्मिकों के लिए सीएल की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक कर दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो अन्य अवकाश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रोबेशन ट्रेनी को एक कैलेंडर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी, और इसके साथ ही जो प्रोबेशन ट्रेनी है उनकी पीएल और एचपीएल हाफ पे लीव जिसको बोलते हैं वो अर्न नहीं होती है। हाँ, इससे पूर्व जो आपकी भर्ती थी, आप कार्मिक थे और आपकी जमा है, तो आप प्रोबेशन में उनका उपयोग कर सकते हैं। प्रोबेशन में महिला को प्रसूति अवकाश दे होगा, प्रसूति अवकाश में पूरा वेतन भी मिलेगा, प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा। प्रोबेशन काल में पुरुष को पितृत्व अवकाश भी दे होगा, इससे भी प्रोबेशन आगे नहीं रहेगा। प्रोबेशन काल में महिला को सीसीएल चाइल्ड केयर लीव सामान्य परिस्थिति में दे नहीं होगी, अगर विशेष परिस्थितियों में दी जाती है तो इससे प्रोबेशन आगे सरकेगा। प्रोबेशन काल में 90 असाधारण अवकाश विदाउट पे जिसको बोलते हैं लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको अप्रूव करने की शर्त इस प्रकार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए 8/8/2019 को यह आदेश आया है। इसके अकॉर्डिंग हम 1 महीने 30 दिन तक अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा इसे अप्रूव करवाया जाता है, न कि आपके पीओ द्वारा। और 30 दिन से ऊपर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये अप्रूव होगी, न कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बी सेक्शन फॉर स्टडी पर्पज एंड फॉर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप स्टडी पर्पज के लिए ये अवकाश लेते हैं तो दे नहीं होगा, और न ही कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, यह सिर्फ मेडिकल की स्थिति में ही दिया जाएगा। तो स्टडी लीव है या कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए है, ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है। 4 नंबर बिंदु से मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसकी शर्तें आपको बता दी गई है। इसके अलावा कोई अन्य अवकाश जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और फिक्सेशन के समय आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन या अन्य कोई रूल है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, इससे संबंधित भी आप हमें SMS कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है एक्सपर्ट स्टडी ग्रुप, आप उसे ज्वाइन करें। प्रतिदिन के शिक्षा विभाग से आने वाले सभी ऑर्डर आपको वहां मिल जाएंगे। वीडियो को सभी गुरु में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।